हेलो एवरीवन, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन देखेंगे। ये टू टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 cx बॉन्ड और नंबर टू है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 cx बॉन्ड। sp3 cx बॉन्ड में थ्री टाइप का होता है, एल्काइल, एलाइलिक और वेंजाइलिक, और sp2 में टू टाइप का होता है, विनाइलिक एंड अराइल। आइए इन्हें देखते हैं। cx बॉन्ड है तो ये वाले कार्बन को देखना है यहाँ। ये अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। इनके बेस पर देखेंगे तो देखो CH3CHX है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या देखना है, ये हैलोजन है। हैलोजन तो जानते हो ना, FClBr I, ठीक है। ये सभी हैलोजन्स हैं, इन्हें हम एक्स कह सकते हैं। ये तो तुम्हें देखना है हैलोजन, ये है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ। हैलोजन इसी कार्बन से तो जुड़ा, एक और कार्बन होगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये प्राइमरी है। कैसा है? प्राइमरी। इसी तरह से देखो, अगर हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस पर दो कार्बन और हैं, इन्हें एल्काइल ग्रुप भी कह सकते हो। दो है तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री। इसी को सेक कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी प्रोपाइल हो गया ये। इसी तरह से 3 डिग्री में क्या होगा कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अदर 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री है। इसी को बोला जाता है टर्ट। तो यही था टर्ट ब्यूटाइल। इसमें ये नहीं होगा तो हम इसको टर्शरी ब्यूटाइल कह सकते हैं। आगे जो क्लासिफिकेशन है इसी का है, सी एक्स बॉन्ड की नेचर तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही रहेगी, लेकिन हम उसमें अदर क्लासिफिकेशन देखेंगे। नोट करना हो तो करो, इसमें कुछ भी नोट करना है। हेडिंग पढ़ी हुई है ना पहले की, हाँ उसी में लिख लो। ये केवल इनके एग्जांपल्स लिख लो, बाकी डेफिनेशन तो तुम लोग बता ही दोगे। डेफिनेशन इनका पूछा नहीं जाएगा वैसे भी। नोट कर लिया। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का फर्स्ट टाइप था। इसी तरह से सेकंड टाइप होगा और वो है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, क्या हेडिंग डालना है? एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। ये हेडिंग डालना है, डालो। अब इसमें देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, डेफिनेशन अभी लिखा देंगे, पहले समझ लो। तो मैं क्या देखना है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, जैसे ये हैलोजन है तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होगा, ठीक है। क्या देखना है, हैलोजन देखो ये है, ये किसी कार्बन से तो जुड़ा है, इसके पास वाला नियरेस्ट कार्बन ये है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, यहाँ H2 आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये कैसा हैलाइड हो गया, एलाइलिक। अब इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो, ठीक है, ये भी एलाइलिक हैलाइड है, क्योंकि देखो यहाँ कोने पर CH होगा, इधर CH2 और इधर CH2Cl, Cl या जो भी हैलोजन है वो, तो ये 2 डिग्री हो गया। अब कुछ एग्जांपल तुम लोग बताना एलाइलिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एलाइलिक है कि नहीं बताओ? है। बिल्कुल ये एलाइलिक होगा, क्योंकि देखो हैलोजन ये है, इस कार्बन से जुड़ा है, इसका नियरेस्ट कार्बन ये है, और ये कैसा है, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड है, तो बिल्कुल ये एलाइलिक होगा। अगर इसका डिग्री पूछा जाए, एलाइलिक 1 डिग्री ही है ये, ठीक है। कैसा है, एलाइलिक 1 डिग्री कैसे पहचानोगे, ये तो अभी तुमने देखा, तो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। हटा दें इसको, अभी डेफिनेशन इसका लिखाना है। कुछ और एग्जाम्पल समझ लो, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये कैसा है, क्या होगा बताओ, एलाइलिक है और 2 डिग्री है,
ये देखो एलाइलिक है, ये तो कंफर्म है क्योंकि हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये इसके पास वाला कार्बन कैसा है, डबल बॉन्ड है तो एलाइलिक हो गया। बाकी ये 2 डिग्री और होगा, एक कार्बन इधर है बाकी एक है इधर, तो इसे क्या बोलेंगे कि ये एलाइलिक 2 डिग्री है। ठीक है, दोनों मतलब दो तीन भी कंबाइंड करके पूछ लिए जाते हैं, तो डेफिनेशन देख लो इसमें से, ये एलाइलिक 1 डिग्री और है साथ में और ये एलाइलिक 2 डिग्री है, 3 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, नोट कर लो, तीन और एग्जांपल नोट कर लो। अब तो मैं क्या हेडिंग डालना है नेक्स्ट, वेंजाइलिक हैलाइड सेकंड टाइप है इसी का, ये थर्ड हो गया। ठीक है, क्या है ये सेकंड था, अब हमें क्या पढ़ना है थर्ड, और ये क्या है वेंजाइलिक हैलाइड। हैलाइड्स या इन्हें हेलो एल्कीन भी कह सकते हैं। ठीक है, बेंजाइलिक यहां पर तुम्हें क्या देखना है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन क्या होना चाहिए, वेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, बहुत इजी है ये पहचानना। ठीक है, क्या देखना है तुम्हें, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए, वेंजीन से। अब कुछ एग्जाम्पल बताना, ये बेंजाइलिक हो गया, कुछ अदर एग्जाम्पल तो मैं बता दिया। ठीक है, कैसा होगा, होगा बेंजाइलिक, नहीं होगा नहीं है, तो फिर कौन सा है, नहीं है। देखो ये बेंजाइलिक तो नहीं है क्योंकि तुम्हें देखना है हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये वेंजीन से जुड़ा होना चाहिए था, ऐसा है नहीं, तो ये केवल कौन सा होगा, 1 डिग्री है, ये प्राइमरी है बस। प्राइमरी कैसे है कि हेलोजन इससे जुड़ा है, एक और कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा हो गया, प्राइमरी। बाकी देखो कुछ और एग्जांपल दे देते हैं, ये होगा हाँ। ठीक है, ये और ये दोनों है, ये वाला नहीं है। डेफिनेशन देखो इसका, तो इसके बाद अब हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड पर जो किया था वो तो फिनिश हो चुका है, आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो आगे, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 cx बॉन्ड। और नंबर 2 क्या है, अराइल हैलाइड। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नेचर है इनके cx बॉन्ड की, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अभी तक हमने क्या पढ़ा था sp3, अब यहाँ पर देखो विनाइलिक में क्या होगा कि जैसे ये है, ये विनाइलिक का एग्जांपल है, कैसे होगा, हेलोजन मतलब जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो इसमें एनाइलिक में क्या डिफरेंस है, वहां पर क्या था कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा था उसका एडजेसेंट कार्बन क्या था, डबल बॉन्डेड था, लेकिन यहाँ पर ये खुद ही डबल बॉन्डेड, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होगा, तो जो सीएक्स बॉन्ड की नेचर है मतलब कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन या हेलो एलिन्स हो सकते हैं। तो जैसे ये लिखो पहले एक ही एग्जाम्पल है इसके, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया, कितना और भी बड़ा बना सकते हो, ये जो विनाइलिक है विनाइलिक का है ये, तो लिखो पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी, देखो ये भी है, विनाइलिक का एग्जाम्पल है, लिखो इनको जल्दी से, ऐसे भी पूछा गया है कई बार, इस तरह से भी हो सकता है, जुड़ा है डायरेक्टली तो वो क्या हो जाएगा, एराइल। ठीक है, ये अनायन का एग्जांपल हो गया। अच्छा, इसमें और वेंजेलिक में क्या डिफरेंस था बता दो, ये तो अनायन हो गया, यहाँ पर चलो सर्कल अगर हटाया तो अल्टरनेट बॉन्ड लगा सकती हो। ठीक है, वैसे सर्कल इजी रहता है, जल्दी में बन जाता है, तो
तो इसमें और वेंजाइलिक में क्या डिफरेंस था पायल बताओ। वेंजाइलिक में ये था ना, क्या था बताओ, CS2 भी आ रहा था उसके साथ, C2H5। मतलब वहां पर ये था, यही तो तुम्हें बोलना है, वहां पर ये था हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा था वो बेंजीन से जुड़ा था, यहाँ हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है, तो ये डिफरेंस हो गया ना, यही है। आगे हेडिंग डालो नेक्स्ट। अब तुम्हें हेडिंग क्या डालना है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। पहले तुम ये समझो कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग हो रही होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब यहां पर केवल इसे समझना बस, एक बॉन्ड को बनाने में दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, अगर दो बॉन्ड बनेंगे तो चार इलेक्ट्रॉन हो गए, चार बनेंगे तो कितने हो गए, आठ, चार बनेंगे तो आठ हो गए। तो वैसे ही यहाँ पर एक बॉन्ड बनाए, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हेलोजन का, जो भी हेलोजन एटम। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे कि ये बॉन्ड कैसा हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड भी टू टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर बॉन्ड में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हुआ तो वो बॉन्ड पोलर होगा, कैसा होता है, पोलर नेचर का। अब वो क्यों है, क्योंकि तुमने पढ़ा है FClBrI, FClBrI को क्या कहते हैं कि ये हेलोजन है, इन पर नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट मतलब ये जो हेलोजन है वो क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखता है। पर हुआ है इलेक्ट्रॉन तो दोनों का एक एक था, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा है, इसकी तरफ, इसने अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। मतलब तुम्हें मालूम है ना, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव आता है, देता है उस पर पॉजिटिव, लेकिन ये कम्प्लीटली दिए नहीं है, इसलिए आधा, मतलब इसी को बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव आया है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इसी वजह से CX बॉन्ड की नेचर कैसी है, पोलर, इतना याद रखो।